बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आज MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की GDB नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके टोटल मार्क्स 4 दिए गए हैं और स्टार्टिंग डेट थी 25 जुलाई और लास्ट डेट क्या है 30 जुलाई, ठीक है, 2020। तो देखें टाइटल क्या है क्वेश्चन का, मार्केटिंग मिक्स है। तो डिस्क्रिप्शन क्या है क्वेश्चन की, द मार्केटिंग मिक्स। लर्निंग क्या है ऑब्जेक्टिव, आपको क्या क्या क्लियर होना चाहिए, मार्केटिंग मिक्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव, और उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर नई असाइनमेंट, GDB क्वाइज और इसके रिलेटेड नई नई अनाउंसमेंट आपको पहले से पहले मिल सकें। थैंक्स। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अब फिल्म मार्केटिंग मिक्स, एक फिल्म जो मार्केटिंग है वो मिक्स है किस चीज़ों, किन चीज़ों की, 4 P's की। P's का क्या मतलब है, कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ये 4 हैं जो कि 4 P's का क्या मतलब है, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्राइस प्रमोशन, ठीक है, ये 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं। बिसाइड द ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स बिलोंग टू द 4 P's बेस्ड ऑन यूजली कन्वेंशनल मोड ऑफ शॉपिंग। ये जो चार चीज़ें हैं ये शॉपिंग में या बेचने में या ख़रीदने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। We can apply this in today modern world of online shopping as well. और हम इन चीज़ों को आज मॉडर्न दौर में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। What new factor do you think we must consider in 4 P's? आप क्या सोचते हैं या क्या आपका ख्याल है कि हमने कौन से 4 P's इसमें प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्लेस और प्राइस टू मेक योर ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल, हम इन 4 फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड करें, क्या क्या शामिल करें, ठीक है, तो फिर ताकि आपका ऑनलाइन शॉपिंग जो है ये बेहतर हो सके, ठीक है। मेन क्वेश्चन ये है, देखें 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स ये दी गई हैं। न्यू फैक्टर टू बी कंसाइडर इन ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में जो न्यू फैक्टर हैं, क्या क्या नए काम हैं, वो आपने इधर मैंशन करने हैं। मैक्सिमम 1 फैक्टर और मैक्सिमम 2 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, आपने यहाँ पे कितने फैक्टर लिखने हैं, 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में 1 या 2 लिखें, और क्या करना है, हर एक 1 या 2 लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखते, वो भी इन द कॉलम ब्रीफली, इस कॉलम में ब्रीफली करके थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करके लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट नहीं लिखना। इन बुलेट फॉर्म नॉट मोर देन 25 वर्ड फॉर ईच फैक्टर, एक फैक्टर के जो हैं वो 25 से ज़्यादा अल्फाज नहीं होने चाहिए, और आपने बुलेट सेलेक्ट करके भाई उसको नंबरिंग दे के आपने लिखना है। इट इज़ रिकमेंडेड टू फॉलो द सेम टेबल फॉर्मेट टू आंसर GDB क्वेश्चन, आपको ये रिकमेंड किया गया है इसी तरह टेबल बना के आपने इसका आंसर देना है। स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू आंसर द GDB क्वेश्चन, ये आप जो को जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, हिदायत दी गई हैं, इनको आपने फॉलो करना है। अ स्टूडेंट विल बी ग्रेडेड 0, स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिलेंगे इफ क्या करेगा, नॉट फाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अगर वो ये हिदायत पर अमल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, उसको 0 नंबर मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, पोस्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन आएगा टेबल का, टेबल आपने करना है क्लिक, टेबल बना के फिर आपने जवाब इसमें एंटर करने। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। यस आई थिंक मस्ट कंसाइडर इन 4 P's, मैंने जवाब में क्या लिखा है, यस आई थिंक वी मस्ट कंसाइडर इन 4 P's टू मेक ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल, हमें ज़रूर इसके बारे 4 P's के बारे में सोचना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। नंबर 1 पे आपने क्या करना है, ये तो आ गया, यहाँ पे आपने लिखने हैं ना 2 बुलेट बना के, 2 उसके आंसर लिखने। प्रोडक्ट पहले होता क्या, ये देखो, प्रोडक्ट इज़ द आइटम ऑफर्ड फॉर सेल, प्रोडक्ट एक आइटम है जो कि ऑफर किया जाता है सेल के लिए, बेचने के लिए। प्रोडक्ट कैन बी सर्विस आर एन आइटम, ये एक सर्विस हो सकती है या आइटम हो सकता है। इट कैन बी फिजिकल आर विचुअल आर
साइबर फॉर्म, यह दिखने में हो सकता है या नहीं देख सकता, यह हकीकी हो सकता है, कोई भी इसकी टाइप हो सकती है। एवरी प्रोडक्ट इज सेम एट अ कॉस्ट एंड ईच सोल्ड एट प्राइस, हर जो प्रोडक्ट है मेड एट कॉस्ट एंड ईच इज सोल्ड एट प्राइस, उसकी कीमत जो होती है वो अलहदा अलहदा हो सकती है। ये वाला आप दूसरा पॉइंट ना दें तो बेहतर होगा। अब हम चलते हैं प्राइस की तरफ, इसमें क्या क्या फैक्टर हैं। फैक्टर टू बी कंसाइडर इन द फॉलोइंग ऑनलाइन वैल्यू, ऑनलाइन वैल्यू में प्राइस भी बहुत ज़्यादा अहम तरीन फैक्टर है। कम्पिटेटिव कंट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट, प्राइस में क्या क्या कम्पिटेटिव, उसमें मुकाबले वाली कंट्रीब्यूशन होती है और उसकी कीमतें होती हैं। मार्केट शेयर, मार्केट में शेयर जो होती है उसकी प्राइस पर डिपेंड होता है। इस तरह प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड क्वालिटी, मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट, कस्टमर सा आइटम वर्थ एंड रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट, कस्टमर जो होता है उसकी कीमत देखता है, रिस्पॉन्सिबल रेट देखता है और उसकी वैल्यू जानता है भाई कि चीज़ अच्छी है या नहीं है। प्लेस के लिए हम भाई ऑनलाइन प्लेस कौन कौन सी होंगी जहां हम इसको सेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फॉर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेसेस सच एज सोशल मीडिया, ऑनलाइन फॉर्म्स, ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म कौन से हैं, वेबसाइट या एप्स आ चुकी हैं आजकल ऑनलाइन अर्निंग के लिए या ऑनलाइन सेलिंग के लिए, इस तरह की ईमेल्स। वी हैव एडेड फैक्टर्स चेंजिंग हाउ मॉडर्न बिजनेस इज कंडक्टेड, हमें पता है कि आजकल कैसे ऑनलाइन चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं सेल में। फॉर एग्जांपल किस तरह वी कैन यूज स्काइप, हम स्काइप इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप फॉर शोइंग आइटम, हम उनको प्राइस भी इसके ज़रिए दिखा सकते हैं, या स्काइप और व्हाट्सएप उनको हम आइटम भी दिखा सकते हैं कि कैसा हमारा आइटम है। वी कैन एडवर्टाइज ऑफ प्राइस वी आर फेसबुक, हम फेसबुक पर भी इनकी प्राइस लगाकर इनको सेल कर सकते हैं, या ट्विटर पर या किसी भी सोशल ऐप पर। वी कैन मेक वेबसाइट लाइक अमेजोन और ओ एल एक्स सी ई टी फॉर सेलिंग ऑनलाइन थिंग्स, हम उनकी कीमत को बताने के लिए ऑनलाइन एक जैसा कि अमेजोन है या ओ एल एक्स है, ठीक है, इस तरह हम उसकी चीज़ों की प्राइस भी बता सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। लास्ट में है प्रमोशन, हम प्रमोशन किस तरह कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेच सकते हैं। प्रमोशन इनकॉर्पोरेट्स पब्लिसाइजिंग एडवर्टाइजिंग एंड लिमिटेड टाइम सिस्टम, प्रमोशन जो होती है वो एक खास टाइम और लिमिटेड टाइम सिस्टम में होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन एन आइटम इज टू अनकवर टू बायर वाई दे नीड इट एंड वाई दे शुड फॉलो थ्रू ऑन द स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर इट, ये ऑब्जेक्टिव मेन इसका क्या है कि लोग जो ऑनलाइन चीज खरीद रहे हैं वो इसको क्यों खरीद रहे हैं और इतनी कीमत क्यों अदा कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशन उसको हम इस तरह बताएं कि उसको लगे कि हम चीज़ सही जगह पे पहुंचे हैं, सही खरीद रहे हैं और इसकी कीमत भी बिल्कुल मुनासिब है। आल्सो इन दीज कोविड 19 पीपल आर एग्री फॉर इट, कोविड 19 की वजह से आजकल लोग जो हैं प्रमोशन अगर हम जो भी करेंगे उसके लिए रजामंद इजिली हो जाएंगे, क्योंकि लोग घरों में स्टक हुए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर कोई आपके इसमें हेजिटेशन है तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल दिया गया है। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो फिर भी आपने सेम ईमेल या व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।